भी बहुत दिनों से बहुत सालों से प्रश्न इसलिए है कि शंकर जी भूले, हम जो भी पूछे दे देते हैं, लेकिन एक ऐसा अवतार भी हुआ विष्णु अवतारों में जो श्री कृष्ण का अवतार कहलाया, चाहे वो मथुरा हो या वृंदावन, चाहे द्वारका हो या और कोई कृष्ण स्थान, कृष्ण जहाँ भी गए अपने साथ सभी को आनंद प्रदान करते गए, अपने रहे या न रहे उन्होंने आनंद दिया। उसके पीछे यही कारण था कृष्ण पृथ्वी पर आए, जो उनके साथ जैसा व्यवहार किया उनके साथ वो उसी तरह उनको आनंद प्रदान करते गए। कंस ने शत्रुता की उनके साथ, भयंकर शत्रु बनकर भी उन्होंने उनका संहार किया। कुचेल सुदामा ने मैत्री का वातावरण दिया, वो मैत्री बन गए, गोपिकाओं के लिए प्रेमी बने, अपने अष्टभार्याओं के लिए पति बने, और उसी तरह कुरुक्षेत्र में इस संसार में सुख शांति प्रदान करने के लिए रथसारथी बनकर उन्होंने इस संसार में शांति प्रदान शांति बनाए रखने के लिए रथसारथी का कार्य किया और उन दुष्टों का संहार किया। इस संसार में पुरुष वही कहलाता है जो असमर्थ लोगों की और अन्याय होने वाले लोगों की रक्षा कर सके। जिनके ऊपर अन्याय हुआ, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उसकी सहायता करने वाला ही संसार में देवता बनकर पूजनीय हुआ। और यह कार्य जिन्होंने भी किया, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो संसार में देवता हो या कोई पुण्य पुरुष हो, उसने जिन्होंने इस काल को, इस अन्याय को रोका, इसके दुखों का निवारण किया, वह इस संसार में देवता कहलाया। इसके लिए मनुष्य के पास सबसे श्रेष्ठ क्रिया यह होनी चाहिए कि वह हम दूसरों के दुखों को मिटा सकने की क्रिया कर सके। क्या ये हमारे से हो सकता है? तो हो सकता है। गुरु ने यही कहा कि हम यह कार्य करने के लिए पहले हम तपस्वी हों, पहले हम साधक हों, पहले हम साधना करें, तपस्या करें, हमारे में ये तपस्या हो कि हम इन सभी को शांति प्रदान कर सकें। जिस दिन आप साधक बनेंगे तो आपके परिवार का ही नहीं, आपके परिवार के साथ समाज में भी आप उनके दुख को मिटाने की शक्ति आपके पास रखेंगे, और जो दुख मिटा सके वही संसार में देवता कहलाता है। हम इस देवता तत्व को जागृत करने के लिए, देवताओं की श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे साधना कहा गया है। केवल नाचने गाने से भी सुख नहीं मिलता, उस क्षण के लिए हम नाचे गाएं और कुछ सुख अनुभव करें ये बात अलग है, लेकिन इस बात को कि हम किसी के दुख को मिटा सकें, एक का भी दुख मिटा सकें, तो हम इस संसार में पूजनीय कहलाए जाते हैं। मैंने एक बात आपको कही, मैं आज 17 साल से निखिल चेतना केंद्र में रहते हुए आपको बहुत सारी साधनाएं मैंने प्रदान की, आपके की या ना की ये आपके ऊपर है, लेकिन गुरु मंत्र के साथ साथ हम आगे चलते गए और जो कार्य गुरु जी ने सौंपा मुझसे जितना हो सका मैं करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा यही कहना है कि हम इस साधना तत्व को लेकर जिस प्रकार हमारे को रोज की भूख, रोज की नींद और रोज के कपड़े आदि चाहिए, उसी प्रकार साधना भी नीति चाहिए। जो साधना से अलग हो गया वो इस संसार में वैसा ही भूखा है जो खाना खाकर भी अपनी जीर्ण अवस्था न रहते कोई रोगों को लेकर बैठा है, लेकिन साधना रत मनुष्य व्यक्तित्व वो है, उसको चाहे कष्ट भी हो वो आनंद अनुभव कर सके। जो साधनात्मक व्यक्तित्व के पास ही ये हो सकता है, जिसके पास साधना नहीं है वो ऐसा आनंदित नहीं हो सकता। दुख तो दोनों को भी है, साधना करो या साधना न करो, दुख सुख दुख तो दोनों को भी बंधे हुए हैं, लेकिन साधक दुखों को सहने की शक्ति रखता है और दुखों में भी आनंद अनुभव करने का ज्ञान वो जानता है, और वो ज्ञान देने के लिए प्रभु जी सद्गुरुदेव जी आए थे और उन्हें सिद्धार्थ साधक परिवार की स्थापना की। आज उनकी साधक परिवार की स्थापना में जो कार्य हम करते हुए आगे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, मेरा यही कहना है आप सभी को। मैंने पत्रिका लेकर एक महानुभव आए थे मेरे पास, इस बार की निमंत्रण पत्रिका, अब निमंत्रण मत कहो सूचना पत्रिका मैंने कहा है, सूचित करने की पत्रिका कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि बोले प्रभु गुरु जी आपकी ये जो गुरु पूर्णिमा की पत्रिका बोले उसको सूचना पत्रिका का नाम दिया है, क्या शिष्यों का आह्वान नहीं करते? मैंने कहा अपने घर में अगर अपने पुत्रों को शादी के लिए बुलाया जाए तो आपको अच्छा लगता है? नहीं नहीं वो तो गलत है, मेरे वैसे ये गुरु का धर्म है, और मैं मेरे पुत्र शिष्यों को आह्वान करूँ तो मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। मैं उनको सूचित कर रहा हूँ कि आज के दिन शादी का दिन है या आज के दिन गुरु पूर्णिमा का दिन है, अब वो आए ना आए उनका कर्तव्य है, वो कर्तव्य क्या जानते हैं? अपने घर में कार्यक्रम है तो आप काम करें या ना करें उनका कर्तव्य है। मैं शान के साथ गर्व के साथ कह सकता हूँ जो कल तक 10 थे आज 1000 लोग हैं। यहाँ केवल सूचना दी गई है कि गुरु पूर्णिमा आज है। अभी कहते कहते मैं मेरे भाई से बात कर रहा था,
कि देख आज गुरु पूर्णिमा में अपन अपनी सूचना पत्रिका का क्या असर है, लोग साधक कितने अच्छी तरीके से आए हैं। अब हमारे आपको तो पता है दत्तू भैया की बात करने का तरीका, उसने एक मिनट में कहा भैया शनिवार रविवार है, छुट्टियां हैं, इसे आए। अगर छुट्टियां नहीं होते ऑफिस होता तो ये लोग क्या आते। मैंने कहा परम पूज्य सद्गुरु जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब भी गुरु पूर्णिमा में कोई छुट्टियाँ हो। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम सूचित करें या ना करें, गुरु पूर्णिमा है। मैं आपको पूरे शिष्यों को जिन्होंने गुरु मंत्र दीक्षा ली है उनसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप जीवन में कभी मेरे पास आए या ना आए, जहाँ बैठे भी आप फोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन जब गुरु जन्म दिवस सदगुरु पूर्णिमा को आप निश्चित रूप से इनकी चेतना करें, लाने का कार्यक्रम करें। आपको सदगुरु आशीर्वाद देगा। आप जिस तरह भी वहां से आप आ रहे हो और गुरु पूर्णिमा पर पहुंच रहे हो, ये आनंद का विषय है कि आप यहाँ आए। अब इससे 17 साल की इस यात्रा में मैंने जो जो भी अनुभव किया, और मैंने जैसा सुबह आपको कहा, मैं आने वाले 3 सालों में 3 वर्षों में साधनात्मक जीवन जीना चाहता हूँ। साधनात्मक जीवन इसलिए जीना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है ऐसा कोई व्यक्तित्व तो नहीं बना, ऐसा कोई आदमी नहीं आया, ऐसा कोई एक सामाजिक साधु संन्यासी हमारे लिए, चाहे हिमालय के कंदरों में हो सकते हैं, देवताओं में गुफाओं में हो सकते हैं, सिद्धाश्रम में हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यहाँ नहीं है। सोने की लंका में मराठी में कहते हैं सोनिया क्या लंका में सोने के बेटा क्या किस काम की, वहाँ है सोने की लंका में सोने के ईंट भरे पड़े हैं, हम न जा सकते हैं न लाते हैं ला सकते हैं। वैसे ही सिद्धाश्रम में योगी होंगे, पहाड़ों में गुफाओं में योगी साधना सिद्ध करने वाले बहुत सारे लोग बैठे होंगे, लेकिन उसका उपयोग हमें क्या, हम तो गृहस्थ हैं। हमारे लिए कोई आगे बढ़कर ये कहें कि मैं तुम्हें ये साधना सिद्धि देता हूँ, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम समाज में किस एक सिद्धि को प्रदान करो तुम सुख से जियोगे, ऐसा कहने वाला एक साधक सामने आए और कहे कि काम कर सकते हो, तो मैं आनंद के साधन को अपने गले लगाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर बार मैं साधकों के मुख पर वही जाते समय वही मान चेहरा देखता हूँ कि गुरु जी मेरी मेरा यह कार्य वैसा ही रह गया, मुझे यह संतान नहीं हुआ या शादी नहीं हुई, मेरे को नौकरी नहीं लगी, मुझे पैसे नहीं है, ये सारी चीजें एक एक करके अपने पास लगाई हुई है। जब तक जीवन है ये सारी चीजें लगे हुए तो हम इससे उभरेंगे कब, कब बाहर आ सकेंगे, अब इसको बाहर आने के लिए क्या करना है। अब मैं अगर 20 साल अगले 20 साल में मैं आपको गुरु पूर्णिमा तक के हर एक बार में यही सुनता रहूंगा तो अगले 20 साल तक भी आप इसी तरह आएंगे। आपका कार्यक्रम हो गया, आपका बेटा आएगा, गुरु जी संतान ने भी शादी नहीं, उसके पोते आएंगे शादी नहीं हुई, और ये संसार का चक्र चलता ही रहेगा। न मैं साधक बनूंगा, न मैं सिद्ध बनूंगा, ना आपको बनाने दूंगा। तो इस बार यही निर्णय के साथ ये गुरु जन्म दिवस पर मैंने लिया कि गुरु पूर्णिमा के बाद मैं अगले 3 साल के लिए साधनात्मक जीवन जीऊंगा। साधनात्मक जीवन में पहला वर्ष इस तरह होगा कि मैं आपकी सारी क्रियाएं त्रुटियां आप चिट्ठी लिखकर निखिल चेतना केंद्र के नाम से भेज दो, मैं उसका जरूर जरूर उत्तर दूंगा अगले 1 साल के लिए, और आपको फोन पर केवल गुरुवार के दिन बात करूंगा, केवल गुरुवार के दिन आपको फोन पर आपकी समस्या हो तो बात करूंगा, मिलूंगा नहीं, मिलूंगा तो 3 वर्ष में 3 बार जरूर मिलूंगा, एक गुरु जन्म दिवस, दूसरी गुरु पूर्णिमा, और तीसरा आपको हाँ अपनी अय्यप्पा स्वामी की दीक्षा में यहाँ जरूर मिलूंगा ये। लेकिन दूसरा वर्ष जब होगा, दूसरे वर्ष में मैं केवल और केवल उन साधकों से मिलूंगा जिन्होंने मेरी दीक्षा और इस साल तक 5 सवाला किए हैं, मुझे पता चलता है कि आपने किए हैं नहीं किए, उन लोगों को जरूर मैं प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा, मैं जहाँ भी हूँ। मेरा एक ही उद्देश्य रहा है कि आप साधक बने, आप गुरु मंत्र जब करो मैं आपके साथ हूँ, कहीं भी हूँ मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ आऊंगा ही आऊंगा। और इस साधना के लिए कि आप गुरु मंत्र जब का सवाल आप करेंगे तो मैं जहाँ भी मेरा कार्य होगा मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तीसरे साल पूर्ण मैं हिमालय में अपना 3रा साल गुजारूंगा, और जो साधक क्षमता रखता है, जो लाख दशमा विद्याओं में श्रेष्ठता रखता है उसे हिमालय पहुंचने का देता हूं, हिमालय में जरूर डेरा डालूंगा और उन लोगों को बुलाऊंगा जो सच्चे साधक हैं, और हो सके तो हम आगे बढ़ सकें। इस तरह 3 सालों में 52 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंग, उसके साथ साथ जितने भी विष्णु धाम हैं उन सभी में 5 दिन की साधना का कार्यक्रम रखते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। इसका इन्फॉर्मेशन आप को अगले साल व्हाट्सएप में दत्तू भैया देते रहेंगे कि गुरु जी कहाँ है, आप मिलना चाहें तो उस जगह आकर मिल सकते हैं, लेकिन साधना में डिस्टर्ब ना करते हुए केवल वो साधक जिन्होंने 5 सवाला किए हैं और गुरु चादर पहने हुए हैं उन लोगों को वहाँ आने दिया जाएगा। ये इसलिए रख रहा हूँ कि आपकी जान, लेकिन मैंने पहले ही तैयारी की, पहले ही तैयारी करने का कार्यक्रम कर रहा हूँ, पहले तैयारी में आज की सुबह की साधना आपको बोल दिया हूँ,
आपको भद्रकाली रक्षा करने के लिए आपको दे दिया हूँ, ताकि आप आने से पहले या जहाँ भी रहो आप सुखी रहो। इस साधना को आप करते हैं तो आपको रक्षा जरूर मिलेगी। केवल गुरु मंत्र जप करके है, भद्रकाली का मंत्र कर लो, आपके कुटुंब को, आपके परिवार को और आपको तो आपको पूर्ण रूप से रक्षा मिलेगी। आपको किसी का कोई तंत्र प्रयोग या कोई ऐसा प्रयोग आपके ऊपर नहीं होगा, ताकि आप इस एक साल में बीमार हो, सख्त तो बीमार हो, या आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग करे, इसलिए भद्रकाली की साधना दी है। अब नंबर दो साधना, नंबर दो साधना यह है कि आप सभी में एक गुण तो कभी भी बैठा है, सारा गुरु जी रक्षा लेकर क्या करेंगे, सारा पैसा हो तो सारे काम है, वित्त सब कुछ काम है, वो हो तो हम सब खुश हैं। आप रहो या ना रहो कोई बात नहीं, पैसा रहा तो हम खुश हैं, ऐसा कहने वाले भी हजारों लोग, चाहे मुंह से ना बोलते हो लेकिन अगर उनके पास 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो गुरु जी को 3 साल के बाद ही मिलेंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपया खर्चा करना है। और मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, मैं भी आपको किस तरह फंसाना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि मुझे साधना करना है। आप मेरे पीछे ना आए तो आपको 1 करोड़ रुपये में फंसाना चाहता हूँ, ताकि आप मेरे पास 3 साल तक मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। इसलिए वो साधना ऐसी देना चाहता हूँ कि जो श्री कृष्ण भगवान के रहते हुए चाहे राधा कृष्ण से दूर रही लेकिन उसने आनंद अनुभव किया, गोपिकाएं कृष्ण से दूर रही लेकिन उन्होंने आनंद अनुभव किया, अष्टभार्याएं अलग अलग जगह रही लेकिन वो भी आनंद के साथ रही, कृष्ण ऐसा लगता था कि सभी के साथ है लेकिन वो सभी के साथ थे या ना थे, कृष्ण को बताया गोपी के साथ। ऐसी कौन सी साधना है जो कृष्ण ने सभी को आनंद प्रदान किया, ऐसी कौन सी साधना है कि कृष्ण के साथ ये सब लोग आनंद के साथ रहे। कभी किसी गोपी के मुंह से यह नहीं निकला कि हम आनंद नहीं किया। एक बार गिरिजा नाम की गोपी का ही राधा के पास आकर कृष्ण राधा को कहने लगी, ये तुम्हारे कृष्ण बहुत चालू घोड़ा है यार, कुछ भी बोल तू, किसके साथ प्रेम करता है, किसके साथ रहता है पता नहीं चलता, ये सभी के साथ प्रेम करने का ढोंग करता है और तू राधा है कि उसके पीछे पड़ी हुई है। राधा ने कहा कि हे गिरिजा तू नहीं जानती, कृष्ण को एक बार पुकार के तो देख वो तेरे पास आएंगे। मैंने पुकार दी, क्यों नहीं पुकार दी, क्योंकि वो सभी के साथ रहते हैं इसलिए मैंने पुकार दी, मेरे साथ अकेले के साथ को। तो कृष्ण राधा ने कहा हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तेरे अकेले के साथ रहने के लिए पुकारने की बात करे तो एक बार पुकार के तो देख। गिरिजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, कृष्ण सिर्फ ये कहे कि मैं तेरे अकेले के साथ हूँ, किसी के साथ नहीं हूँ, उस दिन मैं पुकारूंगी। गिरिजा ने कहा, राधा ने कहा कृष्ण तू कृष्ण के बारे में जानती नहीं, जो अपने देह को बहुदेहधारी कर सकते हैं वो तुम्हारे साथ क्या, तू जितने भी दिन कहे तेरे साथ रह सकते हैं लेकिन तुझे पुकारना आना चाहिए, और जिसके साथ कृष्ण हो वो दुखी हो ही नहीं सकता, उसको दुख प्राप्त ही हो नहीं सकता, तो ऐसे कृष्ण को तुम किस तरह चाहती, दुर्योधन हो, कौरव हो, इन्होंने शत्रुता के साथ, शिशुपाल हो, कंस हो, इन्होंने कृष्ण को शत्रुता के साथ देखा, कृष्ण उनके सामने वैसे ही भर बनकर शत्रु रहे और उनका संहार किया। सुदामा जी ने प्रेम किया मैत्री के कारण, अब किसी को कृष्ण सुदामा का एक ही कहना था, कृष्ण जबकि जब गोपिकाओं के साथ नृत्य करते थे तो सुदामा को बुलाते थे आगे आजा गोपिकाओं के साथ नृत्य करके, कहते थे मैं नहीं आता ये नृत्य भी तुम्हें पसंद नहीं आता, गोपिका भी का पसंद नहीं आती, अभी दोस्ती बस खत्म, ये मेरे को नृत्य पसंद नहीं, गाना पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, तू मेरे साथ आ मैं जो देता हूँ खाना खा ले, उसके साथ उसी प्रकार का प्रेम किया, मैत्री ऐसी थे वैसे ही प्रेम किया। और राधा ये जब कहा सारी गोपिकाएं आई कि हमने ये सारी चीजें की, हम कंस के पास से बाहर आई, हमें समाज नहीं देगा, तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं दूंगा, केवल तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जब कृष्ण ने ये बात कही गोपिकाएं कभी तुम पूरे के पूरे आज तक के दिनों में कभी एक बात बताओ कि कोई गोपिका दुखी हुई जो कृष्ण से प्रेम करती थी, अब कहीं किसी अवतार में कहीं लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कृष्ण को वो चाहती थी, कृष्ण का कौन सा ऐसा प्रेम था कृष्ण ने उनको सुख प्रदान किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप भी इस गुरु प्रेम में इसी तरह लीन हो जाओ और आप जहाँ भी रहो सुखी रहो, मेरे साधना को डिस्टर्ब मत करो, ऐसी साधना देने जा रहा हूँ कि आप बैठे बैठे ऐसी साधना करें, आपके पैसा अड़का सब कुछ हो, सुख सब कुछ हो, आपके पास वो सारी चीजें हो, मेरी याद कम आए, क्योंकि कम आए मेरी साधना में आप डिस्टर्ब ना करें, इसलिए ऐसी साधनाएं जो आपके जीवन भर आप सुख अनुभव कर सके। आप अपने गुरु को जिस दृष्टि से देखेंगे गुरु उस दृष्टि से काम करेंगे, मित्र की दृष्टि से देखेंगे तो मित्र की दृष्टि से काम करेंगे, माता पिता की दृष्टि से माता पिता, प्रेमी की दृष्टि से प्रेमी के, जिस दृष्टि से आप अपने गुरु को देखेंगे उस दृष्टि से आपकी सहायता के लिए गुरु जरूर निर्भर रहेगा। और मैं प्रभु जी सद्गुरुदेव स्वामी निखिल स्वामी जी सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण सिंह माली से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे साधना में ये लोग कोई किसी प्रकार की अड़चन निर्माण ना करें, इसलिए साधकों को इतना सुख प्रदान करो कि वो तुम्हें और मुझे दो कुछ दिन के लिए भूल जाए। आपको मंजूर है? तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छे साधक बने,
आपको कहीं इस तुच्छ मेरा मतलब यह है कि छोटी छोटी बातों के लिए कि बच्चा बीमार हुआ, गरीब पैसे नहीं है, शादी के लिए मेरा एक कष्ट है, इसके लिए मुझे फोन ना करना पड़े। आप उन सारे सुखों को अनुभव कर सके, ऐसी साधना जो गोपिकाओं को राधा के द्वारा कृष्ण ने प्रदान की। कृष्ण ने प्रदान करके कहा था, हे गोपिका तू कृष्ण के साथ प्रेम करने का यह मंत्र रोज किया कर, तू सुखी हो जाएगी, तेरे पास किसी प्रकार का दुख ना होगा। तो एक बार क्या हुआ, राधा भी तो शादीशुदा थी, राधा के भी तो पति थे, राधा के भी तो सास थी, राधा के भी तो ससुर थे, राधा के भी माता पिता थे। लेकिन जब ये सास राधा के सास ससुर को पता चला और माता पिता को पता चला, तो सास ससुर सभी की मथुरा और वृंदावन में एक मीटिंग हो गई कि राधा ने सभी गोपिकाओं को बुलाकर कहा है कि कृष्ण के साथ प्रेम करो, आप आनंद के साथ रहेंगे, हमारी स्थिति क्या, हम सास ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या, अपने बहुओं को कृष्ण के साथ जाते हुए देखेंगे क्या, आप सब मीटिंग करके हम राधा को राधा का विरोध करेंगे या कृष्ण का विरोध करेंगे कि हमारी बहुएं हमारे को चाहिए, वो कृष्ण के साथ चले गए तो हमारे घर में कौन काम करें, किस तरह रहे, हम क्या करना चाहिए। सारे ससुओं सारे सासुओं की मीटिंग शुरू हो गई, उन्होंने सब सासू ससुर सब लोग बैठ गए कि हमारे बहुएं अगर कृष्ण के पीछे भागती चली गई तो हमारी गति क्या। माता पिता ने भी कहा कि ऐसा हो गया तो हमें आगे क्या करना है। तब राधा ने कहा, हे कृष्ण यहाँ तक तो मैं गोपिकाओं के सुख और संतोष के बारे में विचार कर सकी बोल सकी, अब मेरी सास ससुर ही मेरे अविरुद्ध आ रही है, इसको तो तू ही संभालना। कृष्ण ने कहा, तू बेफिक्र रह जा, उस मीटिंग में मैं जाने वाला हूँ, सास ससुर के मीटिंग में मैं जाने वाला हूँ। कृष्ण ने कहा कि भाई आप सभी की क्या परेशानी क्या है। तो सास ससुर ने कहा, राधा ने एक वचन दिया है गोपिकाओं को कि सारी गोपिकाएं तेरे साथ प्रेम करने लगी तो हमारे घर का काम कौन करना, बहू घर में नहीं रही थी तो तेरे पीछे आ गई तो कैसा होना चाहिए। और मैं देखती हूँ रोज के रोज तू जाके बंसी बजाता है यमुना के तीर पर और सारे गोपिकाएं राधा के साथ भागते तेरे पीछे आते हैं, घर में पूरा हमारे को और पोछा करना पड़ता है, झाड़ू पोछा हमें करना पड़ता है, हमारी गति क्या ये बता दे। कृष्ण हंसे और बोले, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात के लिए आप इतने परेशान हैं, आप बेफिक्र हो, आपके घर का झाड़ू पोछा का कार्यक्रम मैं करूँगा। तो कृष्ण के कहने पर सास ससुर दोनों ने भी मुँह खोला और कहा, क्या ऐसा हो सकता है। मैं बोला, ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, आपके घर में कोई मलिनता ही नहीं आएगी, आप इतना ही करके रखो, आपके सब घरों में रोज मक्खन मार के रखो, रोज मैं तुम्हारे घर में आऊंगा, मक्खन चोरी करूंगा और खाना खाते जाऊंगा, जिस घर में मैं प्रवेश करता हूँ उस घर में दुख नहीं होगा, आप मक्खन खाने का इतना काम करते हो, आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं होगा। और जिस दिन कृष्ण को ये बात सास ससुर ने उन्होंने देखी कि क्या ऐसा हो सकता है, उन्होंने देखा कि जिसने मक्खन अपने घर में पूरा करके रखा कृष्ण चोरी करते हुए आए और मक्खन खा गए, तो उन सास ससुर ने अपनी सुध-बुध खो गई और वो यहाँ गोपिकाएं कम से कम 2 घंटे तो यमुना के तीर पर, वो 24 घंटे कृष्ण को देखते रह गई, उनका घर में झाड़ू पोछा का कार्यक्रम बंद। और वो लोगों को लगा कि ये कृष्ण की क्या महिमा है कि उसने ये कहा, बोले कृष्ण हम इससे बहुत आनंदित है, अब तो तुझे जो करना है कर ले। कृष्ण इस प्रकार सभी को सुख देने की क्रिया वो करते हैं अपने जीवन में। और उन्होंने कहा, तो सुख अगर कृष्ण उनको देते हैं तो हमारे लिए वो मुरलीधर, वो गोपीजन वल्लभ, वो विश्वरूप जो बताने वाले कृष्ण स्वामी श्री कृष्णानंद जी है, मैं भी तुम्हें वही साधना देता हूँ और कृष्ण की गोपिकाएं, हम सब मिलकर हैं गोपिकाएं और हमें वो आनंद कृष्ण स्वामी कृष्णानंद जी प्रदान करें, इसकी इच्छा रखता हुआ आपको वह साधना देता हूँ जो मथुरा में उन्होंने की थी। आपके घर में उस साधना के माध्यम से किसी प्रकार का पैसा हो, दुख हो, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन एक बात आपको जरूर करनी है, उस मंत्र को करने के बाद आप गुरु जी के सामने थोड़ा सा मक्खन निकाल के रखना, आप जरूर आपके घर में सुख अनुभव करेंगे। यह बात करते हुए यह साधना आपको प्रदान करवा।